आरएलसी ग्राउंड करोंगी कराची में खेले जाने वाले फाइनल में खैबर ग्रीन फाटा ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 114 रन बनाए। जुनेद जिया ने 72 रन देकर 4 विकेट हासिल की। ताहम अलनूर जिमखाना ने तजुर्बेकार टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम के 52 गेंदों पर 54 रन की शानदार इनिंग्स के 22 मतलूबा हदफ 20वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फाइनल के मौके पर आरएलसीए ग्राउंड में आवाम की बड़ी तादाद के साथ बच्चों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बच्चों का कहना था कि चैंपियंस लीग के इनेकाद से हमें क्रिकेट को करीब से देखने और सीखने का मौका मिला है। हमें क्रिकेट और ज्यादा सीखने को मिल गई। मैच बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, दूर से दिख रहा है हमें। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खेल के साबिक चेयरमैन इकबाल मोहम्मद अली का कहना था कि आवाम की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए आइंदा शहर के दीगर ग्राउंड्स पर भी नाइट मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। कराची के अंदर दूसरे लोग हमारे इसी शहर के अंदर दूसरे इलाकों में भी मैच हो, इसी तरीके से लांडी में, कोरंगी में तो हो रहा है आपका, गुलबर्ग में है, तो ये जगह पे है इनको। और एक चीज ऐसी भी है कि आपका डिफेंस का इलाका जो है वहाँ पे भी इसमें नेक्स्ट मैचेस जो है वहाँ पे भी लोगों को कराना चाहिए। केसीसीए के सदस्य राजू इस्लाम बुखारी और सेक्रेटरी एजाज फारूकी ने टूर्नामेंट को अपनी बहाली के लिए खुशाइन करार दिया। मुल्की नहीं, गैर मुल्की टीमें भी आई और माशाल्लाह जिस अंदाज से मैचेस हुए, जिस स्पिरिट से मैच हुए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कारकर्दगी है। बाहर की टीमों का आना पाकिस्तान में ये क्लियर इंडिकेशन है कि हम ऐसे टूर्नामेंट्स करा सकते हैं कि जिसमें बाहर की टीमों को बुलाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की मलिक डॉक्टर मुख्तार पलीजो ने टूर्नामेंट की कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दिया। एक टीम वर्क के तौर पर काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस पूरे टूर्नामेंट को, पूरे इस क्लब के जितने भी मैचेस को सही तरीके से मैनेज किया। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मेंबर कौमी असेंबली आसिफ हसनैन का कहना था कि साबित हो गया कि गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आकर खेल सकती हैं। जिस तरह लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस बात का सबूत है कि कराची के लोग, कराची के आवाम बहुत जिंदादिल लोग हैं और कराची के लोग जो है जब इतने बड़े इवेंट में फैमिलीज के साथ हजारों की तादाद में यहाँ मौजूद हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये असल फेज है कराची का, ये चेहरा है जो कराची का है। चैंपियंस लीग के अख्तिताम पर एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार, रब्ता कमेटी के रुकन रजा हारून, इंचार्ज कराची तंजीमी कमेटी हम्माद सिद्दीकी समेत दीगर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोहम्मद असगर, मेट्रो 1 कराची।